डेवलपमेंट इशू पेंडिंग है, जैसा जमीन का बात, चाहे रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे कोल है, इसका ऊपर में बात बाकी हम लोगों को थोड़ा इशू जो था, जैसे हमने कहा कि हमारा जीएसटी का जो रुपया मिलता है, और जीएसटी का रुपया पहले जो कमिटमेंट था कि हम लोग 2 महीने का अंदर मिलेगा, लेकिन स्टेट को अभी मिलता है 6 महीने का अंदर। इसमें हमारा फाइनेंशियल क्रंच होता है, ये अच्छा नहीं होता है। अगर 1 तारीख को सैलरी देना है और 20 तारीख को ट्रेजरी में रुपया है, तो सैलरी कैसे मिलेगा 1 तारीख को? तो ये सब कुछ स्टेट के लिए मैंने बोला। जैसे हमारा डिवेल्यूशन जो कम कर दिया है, उसका बारे में हम बंगाल का बारे में हम बोला। जैसे हमारा जो हमारा ऐसे बहुत सारे इशू था, उसका बारे में हमने तो जरूर कहा। हमारा जो 50,000 करोड़ हमारा बंगाल का था, स्टेट गवर्नमेंट से मिला नहीं अभी, और बुलबुल का रुपया भी मेरे को नहीं मिला, फनी का रुपया भी नहीं मिला। बंगाल ज़्यादातर डिप्राइव है, और बंगाल को बांग्ला जेटा वंचना चलते यटार कथा बला हुई है। आप मीटिंग का पहले मैं एक दफे कहा, देखिए हमको एक्सक्यूज कर दीजिए, लेकिन मैं दुखी हूँ कि जो दिल्ली में हुआ है, शांति वापस ले आना बहुत ज़रूरी है, और जो विक्टिम्स फैमिली है उसको मदद करना, उसको हेल्प करना। और एक पुलिस कांस्टेबल भी मारा गया है, और जो एक आईबी ऑफिसर को भी डेथ हुआ है, और सारे जो पब्लिक जो जिसको डेथ हुआ है उसको भी हेल्प करना ज़रूरी है। और अगर देश में कोई प्रांतों में कोई प्रॉब्लम होता है, तो इसको कंटिन्यूएशन हर जगह में एक होता है, तो इसी के लिए ये नहीं होना चाहिए। तो इसका बारे में आप लोग देखिए, जैसे देश में शांति रहे, इसका बात हम शुरुआत में ही हम कहा था। एनआरसी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, दे नेवर रेज द इशू, सो वी नेवर रेज द इशू। जो जो इशू रेज किया है उसका बारे में हमने चर्चा किया, लेकिन एनआरसी एनपीआर और जो क्या का बारे में कोई एजेंडा में भी नहीं था, कोई इशू वो लोगों ने भी रेज नहीं किया, तो हम लोगों ने भी रेस नहीं किया कि ए मीटिंग इज नॉट फॉर दैट। না উনি কিছু বলেন নি, উনি ওনার এজেন্ডা অনুযায়ী করেছে। कोई बात ही नहीं कहा है, लॉ एंड ऑर्डर का बारे में कोई बात नहीं कहा होम मिनिस्टर ने। मैडम दिल्ली के लिए भी नहीं किया, स्टेट के लिए भी नहीं किया। अमित शाह का रिजर्वेशन ओपोजिशन ने मांगा है, तो आप उससे सहमत हैं? देखिए आप जो बात सच पूछते हैं, सब बात को हम रिप्लाई नहीं देंगे, हमको जो बात कहना है उसको हम रिप्लाई देंगे। हम चाहते हैं कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो पहले, उसका बाद में हम पॉलिटिकली चर्चा करेंगे।